हेलो दोस्तों दोस्तों आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती का। और आपको पता है कि मैं हूँ दीपक झा। तो दोस्तों आज मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है और उस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और हो सकता है कि वीडियो अगर आज अपलोड हो जाए तो हो जानी तो कल भी हो सकता है, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात कि रोज की तरह आज भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो आज भी क्लास दे देता हूँ, क्योंकि जिस तरह रोज क्लास दे रहे हैं और बच्चे लोग का काफी अच्छा सा प्यार मिल रहा है मुझे, तो यही आप लोग बनाए रखिए और मैं आपके बीच वीडियो लाते रहूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास जो होने वाला है वह है फिर से सोशल साइंस का और 10th क्लास का। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फिलहाल हमको 10th क्लास का ही देना है, क्योंकि 10th क्लास का होने वाला है एग्जाम। और जो भी नेक्स्ट जो 9th के 8th के या उससे भी नीचे क्लास के जो भी होंगे तो उनका भी वीडियो मिलेगा, इसलिए धैर्य बना कर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं आपको भूला नहीं हूँ और आपका बीच मैं भी हूँ और मैं आपके बीच हूँ और आपका काम करते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, लेकिन जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो नीचे का है उनके लिए भी काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि आज का जो वीडियो बनने वाला है वो कुछ क्वेश्चन है तो सोशल साइंस से, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको बता ही रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होती है, क्योंकि मेरा मानना है कि आप लोगों का एग्जाम निकलना चाहिए, तो मैं आपके बीच ये सब क्वेश्चन लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू किया जाए, ज़्यादा टाइम बर्बाद करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो आइए आप होम ले चलते हैं अपने क्लास के ऊपर और वही अंदाज जिस अंदाज से मैं पढ़ाता हूँ और जिस अंदाज को आप लोग पसंद करते हैं मैं भी उसी अंदाज को पसंद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा अनरिस्पेक्टफुल वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे तुम कह कर पढ़ाना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये जरूर छोटा स्टूडेंट ही देखता होगा, मेरा स्टूडेंट ही देखता होगा, जो 10th क्लास का वही देखता होगा, सीनियर भी देखते होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा स्टाइल में पढ़ाना और थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाना बच्चों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसी मिजाज में पढ़ाएं जो बच्चों को अच्छा लगता है। तो जो भी मिजाज मेरा होता है, आई मीन जो इंटरटेनमेंट के साथ मैं पढ़ाता हूँ, उस मिजाज को आप एक्सेप्ट करते हैं और मैं उसी अंदाज में आपको पढ़ाने के लिए फिर से आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में और सोशल साइंस की दुनिया में और बताते हैं कि आज हमारा क्वेश्चन क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि हर वीडियो की तरह मैं आपको कहते रहता हूँ कि अपने पास क्या रखिए, एक नोट कॉपी रखिए। क्यों? क्योंकि नोट कॉपी रखिएगा तभी उतार पाइएगा, अगर उतार पाइएगा तभी आप याद कर पाइएगा। हालांकि मैं आपको यहीं पर हटा दूंगा, लेकिन उतारना जरूरी है। अगर आप खाली टाइम पे घर पे हो, नोट कॉपी रहेगा, आसानी से उसको ऐसे से पलटोगे और याद कर लोगे, और याद हो गया ना तो एकदम कहता हूँ कि आपका एग्जाम कहीं नहीं जाने वाला है, एकदम एग्जाम निकलने वाला है। इसके लिए वीडियो में बने रहो, वीडियो आज पूरा इंटरेस्टिंग होगा और विदाउट इंटरेस्टिंग मैं वीडियो बनाता ही नहीं हूँ, और मैं भी इंटरेस्टेड हूँ तो आप भी इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए और फुल एक्साइटेड। तो चलिए पूरे इंटरटेनमेंट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए हमारा सबसे पहला इंटरटेनमेंट होने वाला है अभी, देखिए देखिए दोस्तों, इंटरटेनमेंट कहीं खाली होता नहीं है, इंटरटेनमेंट को उत्पन्न करना पड़ता है और हर आदमी के बीच होता है, यूनिटी होती है जिसको दिखाना होता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। उतारते जरूर चल रहा है, क्योंकि उतारना जरूरी इसलिए होता है कि उतारोगे तभी क्वेश्चन एकदम इजी की तरफ बनेगा। एकदम अगर एग्जाम में पूछ दिया तो सारा क्वेश्चन को सॉल्व एकदम इजी तरीका से करना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन है फर्स्ट, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पे देखिए गौर से कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा था उसका जो जन्म हुआ, अवधारणा की जो जन्म हुआ वो किस घटना से माना जाता है, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन हो गया फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है फ्रांस का क्रांति, और थर्ड है पुनर्जागरण जागरण का, और चौथा है गौरवपूर्ण क्रांति का। तो मैं आपको बता दूं, धर्म सुधार आंदोलन, राष्ट्रवाद की धारणा का जो जन्म हुआ था वो धर्म सुधार आंदोलन के लिए नहीं हुआ था, ये हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे धर्म सुधारने की आंदोलन नहीं की गई थी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे राष्ट्रवाद की धारणा का जन्म हुआ था, लेकिन धर्म सुधारने की कोई बात नहीं थी, कहे साहब धर्म सुधारने का आंदोलन का कोई चर्चा नहीं था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति, तो जी हाँ फ्रांस की ही क्रांति थी जिसमें राष्ट्रवाद के धारणा का जन्म किया गया था, लिया गया था, ठीक है, और फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है, इसलिए हमारा ऑप्शन टू होगा, फ्रांस की क्रांति, यह सही। पुनर्जागरण गलत होगा, गौरवपूर्ण क्रांति भी गलत होगी, ठीक है, हमारा ऑप्शन सेकेंड होगा फ्रांस की क्रांति, ठीक है।
देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। हमारा ऑप्शन देखिए 1801 में, 1791 में, 1789 में और हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा 1804 में। तो नेपोलियन संहिता जो वर्ष, नेपोलियन संहिता जो लागू की गई थी वो वर्ष था हमारा 1804। कौन सा था वर्ष? 1804 में, यानी ईस्वी 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से दो ना, अभी के अभी याद होगा, कहीं जाना नहीं होगा, एग्जाम में पूछेगा ना। ये भी वीडियो देखो और क्वेश्चन उतारो, देखो एग्जाम में आराम से लेकर के लाओगे, कहीं तुम्हारा रिजल्ट नहीं जाने वाला, हाथ में आने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष था कौन? ऑप्शन है मिटरलैंड, दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट, तीसरा है लुई 18वां और चौथा है चार्ल्स एडवर्ड। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो था वो मिटरलैंड था। कौन था? मिटरलैंड जी। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मिटरलैंड था। ठीक है, तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन अगर आता है, ठीक है, तो इसमें इसमें मारना है मिटरलैंड में, मारना है किसमें मारना है? मिटरलैंड में मारना है, क्योंकि मिटरलैंड ही अध्यक्ष थे किसका? वियना सम्मेलन का। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? मिटरलैंड थे। ये तीन क्वेश्चन को देखा, आगे का क्वेश्चन बताता हूँ, इसलिए वीडियो में बने रहा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिटरलैंड कौन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मिटरलैंड कौन था? रूस का जार, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट और प्रसा का चांसलर। ठीक है, तो मिटरलैंड जो था रूस का जार, फ्रांस का सम्राट और प्रसा का चांसलर नहीं था। ठीक है, था क्या? तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। जी हाँ, यानी कि वो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर, यानी मिटरलैंड जो था वो किसका चांसलर था? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, चांसलर जिसको मतलब बनाया गया था, नियुक्ति दी गई थी, कब कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको लिखते जरूर चलो। ठीक है, लिखोगे अब ये समझा रहे हैं याद हो जाएगा, एक बार घर पे रिवीजन कर लेना, एग्जाम में आएगा लिख के आना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? 1928 में, 1929 में, 1930 में या 1931 में? तो मैं आपको बता दूं कि यंग यूरोप की स्थापना 1928 में की गई थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो यंग यूरोप की स्थापना कब की गई थी? 1928 में, ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, ऑप्शन 1, 1928 में यंग यूरोप की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? क्योंकि यंग यूरोप की स्थापना तो हो गया था 1928, लेकिन यंग इटली की स्थापना किसने की थी? क्या मेजली ने की थी, बिस्मार्क ने की थी, काबुर ने की थी या गैरिबाल्टी ने की थी? तो ये भाई साहब तीनों नहीं होंगे, बिस्मार्क जी नहीं होंगे, गैरिबाल्टी और काबुर नहीं होंगे, मेजली ने यंग इटली की स्थापना की थी। किसने की थी? मेजली ने की थी। कब हुआ था ये? हुआ था यूरोप की बात। ठीक है, यंग यूरोप की जो स्थापना 1928 उसकी बात हुई थी यंग इटली की स्थापना, जो कि मेजली ने किया था। किसने किया था? मेजली ने ही किया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? अब इन्हें सुना कि कुर्ती है तो कैसा लाल, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था कि फ्रांस की, काबुर ने या गैरिबाल्टी ने? तो लाल कुर्ती का जो गठन किया था वो किया था किसने? गैरिबाल्टी ने। ऑप्शन 4, किसने किया था लाल कुर्ती का गठन? गैरिबाल्टी ने किया था। ठीक है, ये याद कीजिएगा, बिस्मार्क, फ्रांस, काबुर जी को हटा दो और गैरिबाल्टी जो था वही किया था। किसका? लाल कुर्ती का गठन। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें पराजय किसका हुआ था? ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है रूस की, फ्रांस का, यूनान का या तुर्की की। तो ऑप्शन 4 हमारा एकदम सही है, बाकी तीनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तुर्की की, यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें तुर्की की क्या हुई थी? हार हुई थी, पराजय हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि सेडोवा, ठीक है, सेडोवा, सॉरी सेडोवा के युद्ध में, क्वेश्चन 9 कहता है सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ठीक है, सेडोवा के युद्ध में पराजय किसकी हुई? तो इसका जो होगा ऑप्शन प्रसा की, सर्डिनिया की, ठीक है, प्रसा की, सर्डिनिया की, नेपल्स की और ऑस्ट्रिया की। तो सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की। ऑप्शन 4 ये याद कीजिएगा, ऑस्ट्रिया की, सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट ही होगा, आपको पता ही होगा। तो क्वेश्चन 10 क्या कहता है, यूरोपीय सभ्यता का पलना किसे कहा जाता था? ठीक है, यूरोपीय सभ्यता की पलना किसे कहा जाता है?
दोस्तों पालना कर लीजिए, ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, जर्मनी को, इटली को या ब्रिटेन को? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन वन, यूनान जो है ना इसी को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। जी हाँ, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाएगा? यूनान को। ऑप्शन हमारा फर्स्ट यूनान को। ये क्वेश्चन आप चार क्वेश्चन अभी बताएं, इससे पहले छह क्वेश्चन बताया, टोटल क्वेश्चन बताया आपको 10 और 210 क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए सबको नोट कीजिए और याद कीजिए। याद होता है तो एग्जाम में पूछेगा, आसानी से आप क्लिक करके अपने एग्जाम को आसानी से फेस कीजिएगा। तो मेरा यही मानना रहता है कि जो भी मेरी वीडियो पे आकर के जुड़ करके मेरा वीडियो को वॉच करते हैं उनकी एग्जाम आसानी से निकले और अच्छे मार्क अच्छे डिवीजन से निकले। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप भी जाइए, मैं भी जाता हूँ और मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।